हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। DPS शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी पोस्ट में, सभी विषयों में वैकेंसी है। सैलरी जो है इसमें CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एज क्वालिफिकेशन भी जो है CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है पूरे भारत में हर स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो है स्कूल का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है और टीचर्स को जो है ये समय पर पे करते हैं। पूरा जो है नोटिफिकेशन देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं देनी है। तो ये जो है पूरा नोटिफिकेशन है, लगभग सभी विषय मिलेंगे आपको सभी पोस्ट में। चलिए देख लेते हैं जो हायर पोस्ट है इसमें, वाइस प्रिंसिपल की, जूनियर कोऑर्डिनेटर की। तो इसमें तो अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से और 10 साल का जो है आपका अनुभव होना चाहिए PGT में ही, ठीक है। और 5 साल का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर कोऑर्डिनेटर के लिए भी 10 साल का अनुभव मांगा गया है। अब PGT में देखें आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट देखें आप, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, IP है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, अकाउंटेंसी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों जो है स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं यहाँ पर। प्राइमरी टीचर्स में तो, और TGT में जो सब्जेक्ट हैं वो आप देखें, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, EVS, फ्रेंच, संस्कृत, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस। प्री प्राइमरी क्लास 2 के लिए मदर टीचर और असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। गेम्स में भी देखें, काफ़ी गेम्स जो होते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया इन्होंने वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। थिएटर, म्यूज़िक, डांस टीचर की वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, लैब असिस्टेंट जिसमें साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, कंप्यूटर की वैकेंसी, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है अगर आपने BEd स्पेशल एजुकेशन में किया है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की, काउंसलर की, तो यहाँ पर जो है साइकोलॉजी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, PRO। तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर सभी विषयों में वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट में। तो अगर आपका इसमें सब्जेक्ट है तो आगे देखें कैसे अप्लाई करना है। ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी ट्रेंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेवी विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें जो है इन्होंने कह दिया है कि किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पे स्केल एज़ पर CBSE नॉर्म्स, इसमें जो है कोई डाउट नहीं है कि CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें एज क्वालिफिकेशन सैलरी रहती है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट मस्ट मेल देयर डिटेल CV विद लेटेस्ट फोटोग्राफ विद इन 2 वीक ऑफ एडवर्टीजमेंट एट। विज्ञापन के 2 हफ्ते के अंदर जो है आप लोगों को भेज देना है अपना डिटेल्ड CV। ये जो है ईमेल एड्रेस है career@dwpsajmer.com। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी जाकर जो है देखेंगे, लिंक जो है यहाँ पर दिया हुआ है dwpsajmer.com, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। अभी एक्सपीरियंस के आधार पर जो है सैलरी यहाँ पर डिसाइड होगी। जैसे किसी की जो है 3 साल का अनुभव है तो उसके उसके अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। अभी जो किसी को जो है 7 साल का, 8 साल का अनुभव है तो सैलरी जो है उसकी अधिक होगी। ये कहाँ पर है स्कूल? तो कैंपस नियर जनाना हॉस्पिटल, सीकर रोड, चचियावास, अजमेर, राजस्थान से ये वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखें यहाँ पर आप लोग स्कूल के बारे में जान सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू रीच, कैसे पहुँचना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, लैब, एक्टिविटी सेंटर। क्योंकि जिन भी स्कूलों में आप अप्लाई करें तो एक बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें जो है आप लोगों को सर्च ज़रूर करनी चाहिए। बाकी वीडियो में ही जो है आप लोग अपना सब्जेक्ट कैसे अप्लाई करना है पूरा आप लोगों को बता दिया है।
ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें बस अपना जो है सब्जेक्ट देखें, अगर सब्जेक्ट है कम से कम 3 साल का अनुभव है तो अपना डिटेल CV जो है यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है, बस इतना करना है और 2 वीक के अंदर ही जो है आप ये कार्रवाई करें। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। चलिए, और भी वैकेंसी आती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।